नमस्कार, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास ऑफ बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी बाय संजय द्विवेदी। हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ यानी साइटोलॉजी के अंतिम पड़ाव पे हैं, लास्ट स्टेप है, और मियोसिस की वीडियो क्लास में मैंने 5 सवाल पूछे थे। उन सभी क्वेश्चंस के मैं आज आपको पहले आंसर दूंगा। उस आंसर के बाद भी मैं ढेर सारे सवाल पूछूंगा, बस डिफरेंस ये होगा उनके जवाब भी मैं आपके सामने दे दूंगा। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं पूछूंगा। अक्सर एग्जाम में एक सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर आइडिया बनाते हैं, इसलिए आप एक एक सवाल को ध्यान से सुनिएगा, अपने मन में अपना आंसर सोचिएगा, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करा लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर से मैं एक नई यूनिट आपके सामने पेश करूंगा। तो हम पहले वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वीडियो लेक्चर का। लास्ट वीडियो लेक्चर का जो पहला सवाल मैंने पूछा था वो था, वेयर इज द साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां होती है, किस जगह होती है सर? द आंसर इज थायलाकॉइड्स। इस प्रश्न के पूछने के पीछे कुछ कारण था। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो सिक्के की जैसी संरचनाएं थी उनको थायलाकॉइड कहते हैं। उनकी ढेर को, एक ढेर को ग्रेनम कहते हैं, और ये ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उन सबको मिला के हम ग्रेना कहते हैं। जो इंटरकनेक्शन है ग्रेनम के बीच का उनको हम इंटरग्रेना कहते हैं, या उसका दूसरा नाम स्ट्रोमा लेमली है, या उनका तीसरा नाम फ्रिट्ज है। हम उस राज को बताते हैं कि सवाल क्यों पूछे थे। फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। इट इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विच लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन आउटर सरफेस ऑफ थायलाकॉइड व्हिच रिसीव्स लाइट, ट्रैप लाइट। अब थायलाकॉइड पे वो कौन सी चीज है, कहां पे कन्वर्जन होता है, तो जानिए, इट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते हुए बताए भी हैं, और उसका नाम है क्वांटासोम। इसका मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन क्वांटासोम। एक आंसर था फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ऑफ थायलाकॉइड। तीसरा आंसर है फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन ग्रेना और ग्रेनम, बिकॉज द यूनिट ऑफ ग्रेना और ग्रेनम इज थायलाकॉइड। चौथा आंसर है द साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज स्ट्रोमा लेमली, इट इज ऑल्सो ए थायलाकॉइड विच कनेक्ट्स टू ग्रेनम। पांचवा आंसर है द साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज स्ट्रोमा लेमली, इंटरग्रेना और फ्रेड्स। इस तरह से एक सवाल के 6 आंसर हुए। अब यदि आपके ऑप्शन में इसमें से 3 आ रहे हैं तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, 2 आ रहे हैं तो आपका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी, 1 आ रहा है आप 1 को चूज कर लेंगे इस 6 में से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन मे बी क्वांटासोम, थायलाकॉइड, ग्रेना और ग्रेनम, स्ट्रोमा लेमली, इंटरग्रेना
फ्रिट्ज। अब यदि यही सवाल दूसरे ढंग से आए, वेयर इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, तो आपका आंसर सिर्फ एक है, एंड इट इज ऑलवेज स्ट्रोमा। हमें अपेक्षा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, वेयर इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एटीपी इज जनरेटेड विद द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग करके जहां एटीपी का निर्माण हो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या था? इट ऑल्सो जनरेट्स एटीपी बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। उसके बारे में बता दिया। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में जानिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस ऑन F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब F1 पार्ट इस सवाल के भी, इस क्वेश्चन के भी अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। F1 पार्टिकल का दूसरा नाम ऑक्सीसोम है, ये भी आंसर है। F1 पार्टिकल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि F1 पार्टिकल आंसर में नहीं है, द आंसर मे बी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओनली इन यूकेरियोट्स, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑल्सो अकर्स इन प्रोकैरियोट, द वेयर इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन प्रोकैरियोट? द आंसर इज मीजोसोम्स। यदि मीजोसोम्स आंसर में नहीं है, उसका आंसर है इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए, आंसर के भी ग्रेडेशन है। कुछ बेस्ट आंसर होते हैं, जब बेस्ट अवेलेबल नहीं होता तो उसमें से जो बेस्ट जो अवेलेबल है उसमें से हम बेस्ट खोजते हैं। जो एग्जाम में चार ऑप्शन बायो में दिए जाते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज बेस्ट ऑप्शंस। वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन ओनली आउट ऑफ 4। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यूकेरियोट में F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पे होता है या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट टेक्स प्लेस ऑन मीजोसोम्स और इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द थर्ड क्वेश्चन वाज विच सेल ऑर्गेनेल इज रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री। वेरी सिंपल, इट्स आंसर इज राइबोसोम इन बोथ द केसेस, आइदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोटीन फैक्ट्री सेल का राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट के लिए भी और यूकैरियोट के लिए भी। फोर्थ क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एस्टाइल कोएंजाइम ए इन सेल टेक्स प्लेस इन। सेल में पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन कहां होता है? द आंसर इज पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, उनके बीच का जो स्पेस है, दैट स्पेस इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एस्टाइल कोएंजाइम ए। इट मींस आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर पायरुविक एसिड, बट इट्स इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर पायरुविक एसिड। दैट्स व्हाई पायरुविक एसिड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड विद इन दीज मेम्ब्रेन्स। लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन था, विच यूनिट ऑफ राइबोसोम इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाई। राइबोसोम में दो सब यूनिट है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सब यूनिट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से एसोसिएट होती है और क्यों।
द आंसर इज इट इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विच इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द रीजन इज दिस एसोसिएशन रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ विच नेम इज राइबोफोरिन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट के लार्जर सब यूनिट में एक विशेष प्रकार की जुड़ी हुई प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम ग्लाइकोफोरिन है, राइबोफोरिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है वो, और उसका नाम राइबोफोरिन है, और वह मेम्ब्रेन से जुड़ने के लिए जरूरी है. इसी कारण से राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ही मेम्ब्रेन से जुड़ता है, और यह स्पेसिफिक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन से जोड़ने के लिए जरूरी है वह स्मॉलर सब यूनिट में नहीं होती, इसलिए स्मॉलर सब यूनिट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता. यहां यह भी ध्यान रखना है प्रोकैरियोट के लार्जर सब यूनिट में यह प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसीलिए प्रोकैरियोट का राइबोसोम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी अन्य स्थान से अटैच नहीं होता. ये तो रहे पिछले वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस और उनके आंसर. मुझे आशा है कि आप लोग अपने आंसर मैच करा लिए होंगे और अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे. और आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं जिसका पूरा संबंध पिछले वीडियो लेक्चर से ही सब है. साइटोलॉजी के नाम पे जितने वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब के चैनल बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी पे अपलोड किए गए हैं उन पे इन आगे पूछे जाने वाले सवालों के आंसर मिल जाएंगे. फिर भी हम उनके आंसर आपको वेट नहीं कराएंगे और अभी के अभी ही दे देंगे. आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे और उसका आंसर अपने मन में रखेंगे, हमारे आंसर से अपने आंसर मैच करा लेंगे, और यदि कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग वर्ल्ड इज. लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? द आंसर इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड. यदि क्वेश्चन ये हो जाए कि मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड ऑफ द वर्ल्ड इज, अगेन आंसर इज सेल्यूलोज. एक क्वेश्चन और इसके बन सकता है, द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज, द आंसर इज काइटिन. याद रखेंगे सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड काइटिन है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या पॉलीसेक्राइड सेलुलोज है. इससे मिलता जुलता एक और सवाल, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इज, आंसर इज रुबिस्को. रुबिस्को इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अर्थ. रुबिस्को एक एंजाइम भी है. यानी यदि क्वेश्चन ये हो जाए, इफ द क्वेश्चन इज मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, अगेन द आंसर इज रुबिस्को. रुबिस्को एक समराइज नेम है. इट इज अ समराइज नेम. रुबिस्को का फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रहे. एक समय इसका नाम था कार्बोक्सी एस्टुमेज, एक समय इसका नाम था RUBP कार्बोक्सिलेज, एक समय इसका नाम था RUBP ऑक्सीजनेज, और आज के डेट में इसका नाम है रुबिस्को. बात को समझिए, रुबिस्को इज द ओनली नोन एंजाइम ऑफ विच नेचर इज ड्यूअल. ध्यान रहे इंजाइम होने की कुछ शर्तें हैं, उसमें से एक शर्त है, एक कंडीशन है, ऑल इंजाइम्स टू स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट एज वेल एज द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज. सारे के सारे इंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं
और अपने रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। यानी जो इंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है उसके अलावा दूसरे पे काम नहीं करेगा, और जिस टाइप का रिएक्शन वो कैटेलाइज करता है वो दूसरे टाइप का नहीं करेगा। द एक्सेप्शन इज रुबिस्को। रुबिस्को कैन कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेम सबस्ट्रेट RUBP डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ध्यान से सुने, रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पे एक ही सबस्ट्रेट RUBP का करा सकता है, या तो कार्बोक्सिलेशन या तो ऑक्सीजनेशन। जब वो कार्बोक्सिलेशन कराता है तो केल्विन साइकिल चलती है, दैट इज द C3 साइकिल। जब वो ऑक्सीजनेशन कराता है तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म चलता है, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन आर C2 साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल है, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ। द आंसर इज मुरैमिक एसिड। यदि मुरैमिक एसिड ऑप्शन में ना हो, पेप्टाइडोग्लाइकेन। यदि यह भी आंसर में ना हो, NAG एंड NAM, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल मुरैमिक एसिड। तीन तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, तीनों के जवाब हमने बताया। पहला था मुरैमिक एसिड, दूसरा आंसर था पेप्टाइडोग्लाइकेन। यदि यह भी न लिखा हो तो NAG और NAM लिखा होगा, यदि यह भी न लिखा हो तो एमिनो सुगर लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिल अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल इज। बहुत ही क्लियर आंसर इसका, 9+0। 9 ट्रिपलेट्स पेरिफेरल होते हैं और सेंट्रल में हॉलो हब जो शून्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिल अरेंजमेंट ऑफ सीलिया इन प्रोकैरियोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीलिया और फ्लेजिला ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन वेयर फाइब्रिल अरेंजमेंट इज 1+0। सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है 8 मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइब्रिल अरेंजमेंट ऑफ सीलिया और फ्लेजिला इन यूकैरियोट। आंसर इज 9+2। फिर से दोहरा रहे हैं, यूकैरियोट में सीलिया फ्लेजिला में फाइब्रिल अरेंजमेंट, यूकैरियोट के सीलिया फ्लेजिला का फाइब्रिल अरेंजमेंट 9+2 है, प्रोकैरियोट में सीलिया का फाइब्रिल अरेंजमेंट 1+0 है। सेंट्रियोल में सीलिया और फ्लेजिला का अरेंजमेंट 9+0 है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लेजिला का फाइब्रिल अरेंजमेंट 9+0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीनोफोर। व्हाट इज जीनोफोर, जीनोफोर क्या है? आंसर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज नोन एज जीनोफोर। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट को जीनोफोर कहते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA का बना होता है। देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट MITOPLAST माइटोप्लास्ट क्या है? आंसर है व्हेन ए माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ डिजिटोनिन इट्स आउटर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स। ए माइटोकॉन्ड्रिया हुज आउटर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स इज नोन एज माइटोप्लास्ट। इट इज नॉट द नेचुरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम डिजिटोनिन के सोल्यूशन में डालते हैं तो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है और सिर्फ अंदर की मेम्ब्रेन बचती है। उस अंदर की मेम्ब्रेन वाली संरचना को हम माइटोप्लास्ट कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राकृतिक या नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है।
अब रही बात कि ऐसा हम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाते हैं, इसका आंसर है हम उस माइटोप्लास्ट से ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलने वाले रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, जिससे क्लेरिफाई हो जाता है कि इनका संबंध आउटर मेम्ब्रेन से नहीं था। एक और बड़ी बात, अबाउट 60-70% ऑफ टोटल सेलुलर एंजाइम्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत जरूरी बात है याद रखना, सेल का 60-70% कुल एंजाइम का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लास्टिडोम, PLASTIDOME, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम क्या है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लास्टिड इज नोन एज प्लास्टिडोम। द टर्म प्लास्टिडोम वॉज प्रपोज बाई टेंजर्ट, इट इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इट मीन्स प्लास्टिड प्लास्टिड इज वेरी सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कोंड्रियोसोम्स, कोंड्रियोसोम्स किसे कहते हैं? आंसर है, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल आर कलेक्टिवली नेम्ड एज कोंड्रियोसोम्स। एक सेल में कुल माइटोकॉन्ड्रिया का सामूहिक नाम कोंड्रियोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लिपोकॉन्ड्रिया, LIPOCHONDRI, पहले पूछा था कोंड्रियोसोम्स, अब पूछ रहे हैं लिपोकॉन्ड्रिया। आंसर है, लिपोकॉन्ड्रिया इज अनदर टर्म यूज फॉर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सार्डोसोम्स, SARDOSOMES, सार्डोसोम्स। साइडोसोम्स आर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मसल सेल्स। मसल सेल में उपलब्ध माइटोकॉन्ड्रिया को सार्डोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल प्रोटीन, गिव सिंगल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। एक उदाहरण दीजिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी काम करे और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ साथ फंक्शनल प्रोटीन का भी काम करे। आंसर इज मायोसिन ऑफ मसल्स एंड डायनिन ऑफ फ्लैजेला। डायनिन को कंपेरेबल। अगला क्वेश्चन, साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आंसर है न्यूक्लियोप्लास्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इन विच डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। द आंसर इज सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेज। वह प्रोसेस जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसका नाम है एस फेज। एस फेज इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक, तो आंसर हुआ सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्यों पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की साइट प्रोकैरियोट के लिए अलग और यूकैरियोट के लिए अलग है। इन केस ऑफ यूकैरियोट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज न्यूक्लियोप्लास्ट। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोटोप्लास्ट बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसको भी ध्यान से सुनिए। इन प्रोकैरियोट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज मैसेंजर आरएनए। इन प्रोकैरियोट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज मैसेंजर आरएनए। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट एमआरएनए है। इन यूकैरियोट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज
हेटरोजीनस आरएनए, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट हेटरोजीनस आरएनए है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एचएनआरएनए कहते हैं। एक और क्वेश्चन, व्हाई स्प्लिट जीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि यूकैरियोट में स्प्लिट जीन्स होते हैं, प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होते? बिकॉज देयर इज नो हेटरोक्रोमेटिन। हेटरोक्रोमेटिन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच वॉज डार्केस्ट एंड जेनेटिकली एंड मेटाबोलिकली इनर्ट। वो वाला पार्ट होता ही नहीं। नेक्स्ट, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल इज न्यूक्लियोलस। व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन? वेरी गुड क्वेश्चन। फॉस्फोरिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड फाइनली कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज द फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन में है फॉस्फोरिलेशन क्या है? बायोलॉजी में जब ये सवाल आए तो आप क्या समझेंगे? जूलॉजी बॉटनी कुछ भी पढ़ते हुए यदि फॉस्फोरिलेशन की बात की जाए बायोलॉजी पढ़ते हुए तो आप समझेंगे क्या? या तो वहां एटीपी बन रही है या तो फिर एटीपी खर्च हो रही है। हम ग्लूकोज का फॉस्फोलेशन कराएंगे तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा और एटीपी खर्च हो जाएगी, लेकिन जब जब हम एडीपी का फॉस्फोलेशन कराएंगे तो एटीपी बनेगा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एनी कंपाउंड इज फॉस्फोलेशन। लेकिन बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए हमने आपको समझाया एटीपी बने या एटीपी खर्च हो तो समझिए रिएक्शन का नाम फॉस्फोलेशन है। फॉस्फोलेशन एक प्रकार का ट्रांसफरेज एंजाइम से होता है, क्योंकि यहां फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग राइबोसोमल स्ट्रक्चर इज। राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है, उसके लिए जिम्मेदार मिनरल का नाम क्या है? आंसर इज मैग्नीशियम आयन। सिमिलर क्वेश्चन है, मिनरल नीडेड फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले मिनरल का नाम बताइए। आंसर है कैल्शियम आयन्स। ए सेलुलर सेल ऑर्गेनेल कौन है? ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं वो कौन है? आंसर है राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम है। अब ध्यान रखने की बात, इनमें से सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। अदरवाइज न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए मेम्ब्रेनस प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल तो नहीं पूछा है। यदि ऐसा पूछा है तो अकेला आंसर है राइबोसोम, और उसमें भी अच्छा आंसर है 70S राइबोसोम। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन आंसर सेशन का, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल हैविंग 3 यूनिट मेम्ब्रेन। हमने बिना मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल जानते हैं, हम 2 मेम्ब्रेन वाले भी ऑर्गेनेल जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। हम 1 मेम्ब्रेन वाले भी सेल ऑर्गेनेल जानते हैं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज। यहां सवाल एक नया प्रकार का है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल बताना है जिसमें यूनिट मेम्ब्रेन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हो। द आंसर इज ट्रांसोसोम्स। ट्रांसोसोम इज ए सेल ऑर्गेनेल हैविंग 3 यूनिट मेम्ब्रेन्स। ट्रांसोसोम्स आर फाउंड इन फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स। बर्ड की ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स में ट्रांसोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें
थ्री यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं, और रिएक्टर यह पहली बार बताने वाला आदमी साइंटिस्ट का नाम है प्रिस, PRESS इन 1964। तो एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल हैविंग थ्री यूनिट मेम्ब्रेन इज ट्रांसोसोम प्रेजेंट इन फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स। आज यही क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट कंसीडर करेंगे। तब तक आप पिछले सारे वीडियो लेक्चर को रिवाइव कर लीजिए, उसके जो भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हों, जो भी पॉइंट ना समझ में आ रहे हों, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें। आपका स्वागत है, और मैं अगला वीडियो लेक्चर अगली यूनिट के साथ पेश करूंगा। थैंक यू सो मच।